Hey guys, welcome back to Bhojpuri Chilies. मैं हूं रुधीर, कैसे हैं आप लोग? Guys, आज हम लोग देखने वाले हैं By Creation 2.0 चैनल से बीबी के बॉयफ्रेंड, मतलब क्यों भाई, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी है, क्यों ऐसा किया बीबी जी? तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, देखते हैं भाई क्या माजरा है और उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। एक बात बताओ दोस्त, हमरा में क्या कमी था रे जे कलुआ कलूठा से ब्याह कर ली और हमसे नहीं की? हम इतना दिन से उससे प्यार करते थे यार। अरे ओकर बड़ा है ना धन संपत्ति, तोर तो छोटा है धन संपत्ति। हम जानते हैं वो हमको कहला छोड़ी है। कहला दोस्त? काहे की सलाह भी हमर नौकरी ना भेल है और का नौकरी था कला कल उठा का ओकरा से ब्याह कर ले है? तो तुम भी नौकरी लगा लेते हैं आज न कल, तो हमरो नौकरी होवे ना करता रे। जरूर होगा दोस्त, उसको हम कोई चीज का कमी नहीं होने देते थे, सब सुख सुविधा पूरा करते थे, फिर भी हमको छोड़ कर चली गई। बड़ा बुरा हुआ भाई। आज के बाद चंदन उसका नाम हम सुनना नहीं चाहते। आई एम सॉरी दोस्त। की अमित, सुने है कि तोर माल फूलमती के बियाह हो गया है। दोस्त अब हमको फूलमती से मिलना है, दोस्त अब हमको फूलमती से मिलना है। दोस्त ए दोस्त रुकना है, दोस्त सुनना, दोस्त अब हमको फूलमती से कोई भी हाल में मिलना है तो मिलना है दोस्त। अरे उसकी शादी हो गई है, छोड़ दो उसे, बियाह टूट जाएगा। हम वो सब कुछ नहीं जानते दोस्त, हमको फूलमती से मिलना है तो मिलना है। फोन कहाँ है? कितना काम करती रहती हो? क्या हुआ जी? ओ, कुछ नहीं, उसमें सट गया, मैं ध्यान नहीं दिया। सुनो ना जान। हाँ? बाबूजी ला तनका चाय बना दो ना। किसका फोन आ रहा है? किसी का नहीं है, कंपनी वाला पूरे दिन फोन करते रहता है। अब ऐसे चाय पत्ती लाइएगा तब ना चाय बनेगा। है क्या ना चाय पत्ती है, लो बनाओ। अरे ये चाय पत्ती बढ़िया वाला नहीं है, जाइए दुकान से बढ़िया वाला लेके आइए। अभी लेकर आते हैं जान। हेलो। हेलो डार्लिंग, ये है इनकी डार्लिंग। सीरियसली हमको तुमसे मिलना। अरे बाबू मेरा शादी किसी और से ना हो गया है, अब बताओ हम तुमसे कैसे मिल सकते हैं? प्लीज बेबी प्लीज एक बार मिल लो ना बेबी, हम मर दिया हुआ आईफोन की कसम। अच्छा ठीक है, वैसे तुम आ गए, हम लोग को कोई पकड़ लेगा तो मेरा तो शादी टूट ना जाएगा। कोई उपाय निकालो ना बेबी, कोई उपाय निकालो ना। एक उपाय है। हाँ बताओ बताओ। अच्छा ठीक है बेबी, तुम जैसे जैसे बताई हो हम वैसे ही आएंगे, लेकिन आज आएंगे बेबी। हाँ ठीक, चल दोस्त दोस्त हमारा साथ साथ तुमको भी जाना पड़ेगा। अरे हमरो जाना पड़ेगा रे। हाँ। लेकिन हमें डर लगता है दोस्त। अरे ना कुछ होगा, हम है ना दोस्त, तुम हो इसीलिए तो डर लगता है। लेकिन एगो बात तू बताया नहीं, फूलमती से मिलेगा कहाँ? अरे वो घर पर जाके। तो अब तो हम और नहीं जाएंगे। अरे टेंशन काहे ला लेता है, फूलमती एगो उपाय बताई है, वो उपाय से मिलेंगे। ना ना हम नहीं जाएंगे, हमरा बहुत डर लगता है। अरे चल ना, हम है ना दोस्त, चल। साला गुच्चा हुआ तब बताऊ तोरा। पहले तू चल तो। सिर कुटाएगा पक्का। कौन है आप लोग? मतलब तुमको बीवी मिली है ना? मतलब कि हम आपकी बीवी के बहन हूँ। हम भाई। लेकिन उसका तो कोई भाई बहन नहीं है। मतलब कि आपकी बीवी के मामू के बेटी हूँ। हम बेटा। लेकिन आप लोग तो शादी में नहीं दिखे थे। जीजा जी हम लोग ना शादी में नहीं आ पाए थे, एग्जाम था ना, इसीलिए अभी मिलने आ गई हूँ अपनी बहन से। जीजा जी अगर आपको कोई दिक्कत है तो हम लोग जा रहे हैं। साली जी मुझे आपसे क्या दिक्कत हो सकता है, आप इतने सुंदर हैं, इतने हॉट हैं, आइए ना अंदर। तो पकड़िए ना। बैग पकड़ना बोल रही हूँ। आइए अंदर।
चलिए जीजा जी मेरे प्यारे जीजा जी। आइए आइए आइए, मुंह पे थोड़ा सा और मैदा पोत लेती कितनी सफेद हो के आई है। आप बैठिए, मैं आपके दीदी को बुला कर लाता हूँ। जी जीजा जी। क्या जुबान देखो, पहले इसकी कैसे हिल रही है। ई ओहे पलंग है जे पर तोहर डार्लिंग के सुन मार के फाड़ दबो। चला जलल पर नमक छिड़कता है। बहन दीदी, दीदी तुम कितना बदल गए हो और क्यों छोड़ कर आ गए हमको? तुम्हारे बिना हम रह नहीं पाते। दीदी के बिना ना रह पाते हैं तो आप यहीं रह जाइए, खाली वो मोटका को भगा दीजिए। और साली जी आप इधर सोइएगा, आपकी बहन इधर सोएगी, हम बीच में सोएंगे। साली जी चिंता नहीं कीजिए, हम दोनों आदमी को संभाल लेंगे। बेटा तुम्हें असलियत पता चल गई तो वो तुम्हें संभाल लेगा। खिलाएंगे साली जी, रुकिए अभी नाश्ता लेकर आते हैं। अरे बाप रे, हमारा इतना सुंदर साली थी हमको पता ही नहीं था। आज नीमो नीमो नाश्ता खिला कर उसको पटा लेंगे और रात में मजा लेंगे। बिस्कुट कुरकुरे खिला के तुम मुझे पटाओगे? साला जी आप बाहर कहाँ खड़े हैं और दरवाजा कहाँ है बंद है? अंदर दोनों मिलाप कर रहा है। मिलाप कर रहा है? मतलब कि मिलाप कर रही है। अच्छा अच्छा, साली जी तनका दरवाजा खोलिए ना, नाश्ता लेकर आए हैं, नाश्ता कर लीजिए। जी जी जा जी। नाश्ता लेकर आए हैं। अच्छा अच्छा, आइए ना बैठ के खाते हैं। साली जी। जी जी जी। भोसरी के तनका कम बाबू सुना करो, भूलो मत कि ओकर ससुराल में आयल है। न तो तनको शक हुआ ना तो ऐसा ऐसा जगह मारेगा कि केकरो देखाने लायक नहीं रहेगा। साली जी, हाँ जी जा, खाली अपना दीदी को खिलाइएगा कि हमरो को तन कची खाइएगा? ले दीदी हम नहीं खाएंगे, ले जाओ। साली जी तन का हमरो को खिलाइए ना। अरे बाप रे बाप, लगता है कलुआ हमको पिलिए के माने। नहीं और बन के आ जाओ। साली जी एक बार दीजिए ना, आपको 9 लाख का हार देंगे। दीदी, दीदी, दीदी। हम भी जा रहे हैं दीदी को कहने कि जीजा जी हमारे दोस्त के छेड़ रहे हैं, हमारे दीदी को छेड़ रहे हैं। साली जी शर्म कौन आ गया? अरे मैडम अभी अभी तो बेटी के घर पे पहुंचे हैं। बहुत सही खड़ा है कि फिर से आपका फोन आ गया। अरे फोन रखिए, फोन कर करके परेशान कर दी है। प्रणाम ससुर जी। खुश रहिए, खूब खुश रहिए बबुआ। अचानक से बिना बुलाया कैसे आ गए आज? बेटी का घर है, बिना बुलाए नहीं आ सकते हैं कि? जी ससुर जी, ये भी तो आपका ही घर हुआ। अब बहुत बढ़िया समय पर आए हैं, आपके दिल्ली वाले साले का बेटा और बेटी भी आई हुई है। दिल्ली वाला साला के तो खाली दुगो लड़का है। दुगो लड़का है तो जोन आई है वो कौन है? बहुत टाइट माल है। चलिए देख लेते हैं, हो सकता है कोई रिश्तेदार की बेटी होगी। ध्यान से हट जाता है, अब बुढ़ापा है, कुछ हो सकता है। हाँ आइए आइए, जाओ जाओ, आप इस रूम में बैठ जाओ जाओ, मैं आपके कुटुंब को बुला कर लाता हूँ। ठीक है बाबू, ये रख दीजिए। जी ए,
आपकी दोनों बहन कहाँ गई है? बाथरूम में गई है। बाथरूम में दोनों एक साथ? बात ऐसा है ना जीजा जी, अब बहुत दिन के बाद मिली है ना, इसलिए एक मिनट के लिए भी दूर नहीं रहना चाहती है। तो बाथरूम में कौन एक साथ जाता है? ए जी सुन रहे हैं, बाहर निकलिए ना, एक साथ बाथरूम में दो लोग कौन जाता है? जी 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 जी। ये आप लोगों का लिपस्टिक खराब कैसे हो गया है? एक दूसरे का खराब कर दिए। अच्छा अच्छा, कह रहे हैं ना आपके पापा आए हुए हैं, वो तो कह रहे थे कि हमारे साले का कोई लड़की नहीं है, आपको पहचाने नहीं रहे हैं। चलिए ना तनका। जी जी, हम नहीं जाएंगे। चलिए ना। जी जी, हम नहीं जाएंगे। चलिए। लीजिए ससुर जी, यही है आपका कुटुंब। रे लौंडा, तू यहाँ कथी कर रहा है? ये कौन है? ये आपका रिश्तेदार नहीं है? नहीं, अली का लौंडा मेरा गांव का है, लेकिन इनको हम पहचान नहीं रहे हैं। कौन है आप? हम। अरे बाबू बोलो, कौन हो तुम? हम है दबाज जी, आप लोग बाहर जाइए तो, हम अकेला में ऐसा टू शॉट मारेंगे ना कि सब भाग भाग बोल देंगे सच्चाई। आप लोग बाहर नहीं जाइए, हम सब सच सच बताते हैं। हम इनके बेटे के बॉयफ्रेंड हैं। बॉयफ्रेंड? ये कठी होता है। अच्छा जी, कुमार में जो भतार वाला फील देता है उसको बॉयफ्रेंड कहता है। ये आपके बेटी का यार है यार, आपकी बेटी बुलाई थी इसको मिलने के लिए। जमाल जी, गेट बंद कीजिए। अच्छा छोड़ दीजिए, माफ कीजिए, चल दोस्त कुटा गए और आओ। बहुत ज्यादा आए थे तुमसे मिलने का मन कर रहा है। फूलमती वो फूलमती नहीं, फूलीमती है, ठीक है? तो उसके पीछे इतने बावले हो गए कि हाँ चले गए उसके ससुराल। अरे यार, एक लिमिट होती है, एक सरहद होती है, एक मतलब एक लाइन होती है जिसे आपको क्रॉस नहीं करना होता है, ठीक है? चलो पहले प्यार करते थे, ठीक, लेकिन तुम शादी के बाद भी उसके लिए लगे पड़े हो, वो भी कोई कम नहीं है, घटिया औरत। मतलब तेरी शादी हो गई ना, है हस्बैंड है ना तेरा, फिर दूसरी जगह और जगह मुंह मारती क्यों फिर रही है? मतलब ऐसे ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यार, शादी से पहले वाले जो अफेयर्स होते हैं, ठीक है, आपके रिलेशनशिप हो गए, कुछ भी हो गए, शादी से पहले यार चलो समझते हैं कि हाँ भाई लड़का लड़की है, एक दूसरे को पसंद करते हैं। जब शादी हो गया है वो प्रॉपर विधि विधान रिचुअल से होता है, ठीक है? कुछ ऐसे रिचुअल्स होते हैं, वो मंत्र होते हैं जिनसे आप दोनों को एक साथ बांधा जाता है ना, और उन मंत्रों की बेइज्जती करते हुए जरा सी भी शर्म नहीं आती है, उस अग्नि की बेइज्जती करते हुए जरा सी शर्म नहीं आती है, उस प्रभु की बेइज्जती करते हुए शर्म नहीं आती है जिसने आप दोनों को बांधा है एक साथ, है? मतलब छी यार छी, हद हो गई। तो ऐसे लोगों से ना मुझे बड़ी किलस होती है, बहुत ज्यादा किलस होती है। वो यहाँ पे जो दिखाया गया कि हाँ कुट गए बहुत अच्छी तरीके से, ये यही मैसेज देने की कोशिश किया गया कि तुम अगर ऐसे फालतू के चक्कर चलाओगे ना तो यही हाल होगा तुम्हारा। सो ऐसे चक्कर मत चलाओ, अपनी देह मत कुटाओ और सलामत रहो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।